है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। 26 जनवरी सड़कों पर समाजवादी पार्टी के निकले ट्रैक्टर, किसानों के समर्थन में उतरी समाजवादी सड़कों पर, शहर और गलियों में चले ट्रैक्टर। सपा नेता खालिद नसीर को रसूलपुर पुलिस ने बिठाया थाने में। फिरोजाबाद के शहरी क्षेत्रों में भी आज किसान विरोधी बिल के समर्थन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता खालिद नसीर के नेतृत्व में एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जो नगला बड़ी चौराहा, जाटापुरी चौराहा, साठफुटा रोड, बम्बा चौराहा, कोटला रोड होते हुए रसूलपुर क्षेत्र में पहुंची, जहां रसूलपुर थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रैक्टर रैली को रोका गया और खालिद नसीर को थाने ले जाया गया और इस ट्रैक्टर रैली को इस तरह से खत्म कराया गया। फिरोजाबाद से मकबूल उद्दीन की रिपोर्ट। आज किस तरह की रैली निकाली जा रही है आपके द्वारा? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से आज 26 जनवरी को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। आज जो है किसान रैली ट्रैक्टरों से निकालने का हर तहसीलों पर कार्यक्रम है। फिरोजाबाद की 500 तहसीलों पर समाजवादी पार्टी द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कितने लोग इस रैली के अंदर शामिल हैं? इसमें सैकड़ों लोग तो फिरोजाबाद में कई जगह निकल रही है, इसके अलावा हर तहसील स्तर पर आज ये रैली कहां से कहां तक जाएगी? ये रैली जो है तहसील परिसर तक और जो भी इलाके हैं तहसील के आगे देहात क्षेत्र में घूमे। किस चीज पर रैली को ले जाया जा रहा है? जो किसानों का साथ ये सरकार अन्याय अत्याचार दमन कर रही है, इसके खिलाफ ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान है, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ये कितने बजे के आसपास रैली निकाली जा रही थी? ये 11 बजे से रैली निकल रही है और हम लोग 2-3 बजे तक रैली निकाल रहे हैं।